नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ आर डी ट्वेंटी फोर सेवन हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म है टुडेज ऑफ में आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज का डिस्कशन करेंगे आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे भाई सेशन को आखिरी तक देखिएगा टुडे वी टूडे ओके करंट अफेयर सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे गुड न्यूज़ क्या है कल दोस्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिजर्व लिस्ट आ चुकी है एस की रिजर्व लिस्ट आ चुकी है आइएगा प्लीज ओके एस बी आई की रिजर्व लिस्ट आ चुकी है रिजर्व लिस्ट क्या बोला है? वेटिंग लिस्ट ज़्यादा बेहतर शब्द है वेटिंग लिस्ट ये कि जो भी प्रीवियस जितने भी एस्पायरेंट थे जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए थे उनको अब अलॉट कर दिया गया एस अब ऐसे में विद इन अ वीक आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा दो के लिए क्लैरिकल के लिए ओके जूनियर एसोसिएट के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए इंतज़ार ना करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तभी शुरुआत करें क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था हमेशा यही रहता है कि जब भी ये वेटिंग लिस्ट आती है उसके विदिन उसके सात दिन दस दिन के भीतर आपको देखने को मिल जाता है तो पंद्रह तारीख तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ओके इसके अलावा आज का मोटिवेशनल कोर्ट से शुरुआत करते हैं बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि शब्द ही पॉजिटिव इस्तेमाल किया गया है लाइफ में नेगेटिविटी हटाओ मेरे भाई देखो एक बात हमेशा याद रखेगा कि जो चीज़ ख़राब है ना वो मेरे दोस्त जल्दी हम लोगों को एब्जॉर्व करती है और अच्छी चीज है ना उसके लिए हमें एफर्ट चाहिए होते हैं पॉजिटिविटी के लिए हमें एफर्ट चाहिए पॉजिटिविटी के लिए एफर्ट ये कि नेगेटिविटी जो नेगेटिव एंड ऑल आपको दिख रही होती है ना उनको आपको हटाना है वो हटाना इतना आसान नहीं होता है बट फिर भी मैं आपसे लाइफ में कहूंगा कभी भी कैसी भी सिचुएशन हो हर सिचुएशन का समाधान हर ताले की चाबी है हर ताले की चाबी है हर समस्या का समाधान निश्चित है हर समस्या का समाधान और समस्या तो मतलब ही नहीं है कोई चीज समस्या नहीं है हर चीज एक चैलेंज है जो आप फेस कर रहे हैं वो एक चैलेंज है हर एक चैलेंज का मेरे दोस्त सॉल्यूशन है लाइफ में अगर नेगेटिविटी फेस कर रहे हो तो उस नेगेटिविटी को ना दोस्त पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो कैसी भी सिचुएशन हो आप पॉजिटिव आइए सर ओवर पॉजिटिव अरे भाई पॉजिटिव आइए आइए तो सही आइए मेरे दोस्त ये कभी भी आपको ना मेरे दोस्त हराएगा नहीं ये आपको हमेशा जिताएगा आपकी पॉजिटिविटी आपको हमेशा जिताएगी आप अगर चीजों में समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे आप हमेशा मेरे दोस्त बेहतर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहिए देखिएगा परिणाम बेहतर ही होगा ओके इसके अलावा ऐसे जिन्होंने एस ऐप ऐप को को इंस्टॉल इंस्टॉल नहीं किया प्लीज करिए पेड बैचेस के लिए आप लोग बैंक महापैक ले सकते हैं इसमें आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिलेंगे ओके इसके लिए जो कोड यूज करना आपको वो है वाई वन सिक्स एट फॉर एनी बैच ओके कोई भी बैच लेना है अगर कोई प्रिंटेड बुक या ई बुक चाहिए देन फिर वाई वन सिक्स कोड ओके अब बढ़ते हैं आज के पहले सवाल सवाल की तरफ पहला शानदार है किस एयरपोर्ट को वर्ल्ड का सेकेंड बिगेस्ट एयरपोर्ट माना गया है मार्च 2022 में अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ओके सो विच एयरपोर्ट हैज इमर्ज एज दी वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट एयरपोर्ट इन मार्च 2022 मार्च 2022 अकॉर्डिंग टू लीडिंग ग्लोबल ट्रेवल डेटा प्रोवाइडर ऑफिशियल एयरलाइन गाइड फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे दोस्त राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर थ्री दिल्ली एयरपोर्ट देखो मजा ना आ जाए तब बात करिएगा पांचों एयरपोर्ट उठा लीजिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट डेली एयरपोर्ट रूपसी एयरपोर्ट वीर सावरकर एयरपोर्ट कौन कौन से एयरपोर्ट कहां कहां पर है जरा एक बार समझना एग्जामिनर बड़ा स्मार्ट है उसने स्टेट की जगह शहर पूछ लेता आजकल कि कैंपे गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है नहीं पूछ रहा वो कर्नाटक है उसको पूछना है कर्नाटक के किस शहर में बैंगलोर में ठीक है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट महाराष्ट्र के मुंबई में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वीर सावरकर एयरपोर्ट ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट ये आपका उत्तर प्रदेश के बनारस में वीर सुरेंद्र साई एयरपोर्ट ये आपका उड़ीसा के झारसुगुड़ा में ये सब याद होने चाहिए याद मेरे दोस्त ए फॉर एपल बी फॉर

सुरेंद्र साई एयरपोर्ट ये उड़ीसा के झारसुगुड़ा में बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट महाराष्ट्र के नागपुर में क्लियर है भाई अगला देखना बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करते झारखंड के रांची में स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट ये छत्तीसगढ़ के नए रायपुर में रूपसी एयरपोर्ट असम लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट असम के गुवाहाटी में रेड्डी एयरपोर्ट ये नया एयरपोर्ट है एयरपोर्ट में, में पंजाब के अमृतसर में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह इंपॉर्टेंट है तेलंगाना के हैदराबाद में और वेस्ट बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलमोस्ट जितने भी एयरपोर्ट है जितने भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट अपने रिवाइज होते हैं सारे के सारे ओके अगला देखना मेरे भाई सवाल जैन यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चैंपियनशिप में टॉप पर रहा है ओके सिंपल शब्दों में बात करें जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से, है उसका सेकंड एडिशन कर्नाटक के बंगलोर में रहा था जैन यूनिवर्सिटी ने होस्ट किया था पहले नंबर पे जैन यूनिवर्सिटी रहा था 32 मेडल के साथ ओके दूसरे नंबर पे यहाँ पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रहा था मेरे दोस्त और तीसरे नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था ये तीन याद रखना कल पढ़ाए थे जैन यूनिवर्सिटी एल पी ओके पंजाब यूनिवर्सिटी तीसरे पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी सेकंड पे पहले पे जैन यूनिवर्सिटी रहा खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स से, है उसका सेकंड एडिशन ये कर्नाटक के बैंगलोर में रहा था अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर थ्री अगला सवाल किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाकी के ऑप्शन देखो मजा आ जाएगा मेरे भाई राइट right आंसर बनता है मेरे दोस्त यहां पर तरुण कपूर ठीक है तरुण कपूर की बात करते हैं तरुण कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब देखो अजय कुमार विनय मोहन तरुण बजाज अजय ये क्या क्या है ये सब इंपॉर्टेंट है सारे सेक्रेटरी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम का क्वेश्चन दिखाऊंगा आने वाली लिस्ट में क्या रहा था आप लोग भी बोलेंगे हाँ सर यही रहा था जिन्होंने एग्जाम दिया होगा डिफेंस सेक्रेटरी का नाम है अजय कुमार ये नाम याद कर लेना ठीक है विनय मोहन ख्वात्रा बिल्कुल न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बने विदेश सचिव बने हैं ओके तरुण ये आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी राजस्व सचिव है अजय सेठ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं टीवी सोमनाथन मेरे भाई फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वित्त सचिव और ये व्यय सचिव राजीव गौगवा कैबिनेट सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला घर घर में हल्ला मेरे भाई याद रखना होम सेक्रेटरी ठीक है होम सेक्रेटरी गृह सचिव कौन है अजय कुमार भल्ला क्लियर है अजय कुमार भल्ला होम सेक्रेटरी हो गए ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा था असल में है क्या कि एक मंत्रालय जिसका नाम है MOSPI मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MOSPI मंत्रालय में जो सेक्रेटरी होते हैं उनको चीफ स्टैटिस्टियन ऑफ इंडिया कहा जाता है जो MOSPI मंत्रालय में सेक्रेटरी होते हैं उनको चीफ स्टैटिस्टियन ऑफ इंडिया कहा जाता है और भारत के चीफ स्टैटिस्टियन ऑफ इंडिया या यूं कहें प्रमुख सांख्यिकीविद जीपी सामंत हैं ओके जो भारत के न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाए गए सीई ए न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इनका नाम है वी वी अनंत अनंत नागेश्वरन नागेश्वरन मेरे भाई क्लियर है सभी के ओके तीन सवाल डन चौथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड ने अभी हाल फिलहाल किसको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में बतौर मेंबर चुना है इन्होंने मृदुल सागर की जगह स्थान लिया मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई मेरे दोस्त काफी न्यूज में चल रहा है में टोटल जो मेंबर होते हैं तीन में एक मेंबर अपने गवर्नर दास साहब साहब हो गए ठीक है दूसरे नंबर पर रहे थे यहाँ पर माइकल देव पत्रा मतलब सेकेंड पर्सन जो इसमें बतौर में और थर्ड पे मृदुल सागर की जगह पर अब यहां पर राजीव रंजन को अपॉइंट किया गया है ठीक है किनको मेरे में राजीव रंजन को क्लियर है राजीव रंजन अब यहां पर तीन मेंबर तो में दोस्त आरबीआई के तीन मेंबर यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हैं अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तीन मेंबर है उनका नाम क्या है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के उसमें नाम है शीशांक भिड़े जयंतार वर्मा एंड आशिमा गोयल आशिमा गोयल शिडे जयंतार वर्मा इनका जो टेनर होता है वो फोर ईयर का होता है अब जरा बाकी का ऑप्शन देखिएगा जितने भी है साहस मल्होत्रा अंशुल स्वामी बीएस राजू एंड चंद्रशेखरन ये सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में से ही है ठीक है आप लोगों ने पिछले एक हफ्ते में यह समझ लिया होगा कि मैं जो कंटेंट है आपको हर तरीके से दोस्त कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ चाहे एयरपोर्ट आज का हो चाहे मेरे दोस्त अवॉर्ड ऑनर हो चाहे दोस्त डिफेंस की न्यूज हो ऑबिचरी हो आपको भी इसी प्रैक्टिस को अपनाना है देखिए चीज़ें हमेशा एक सी नहीं रहती तो आप कोशिश किया करिए दूसरे क्या क्या बेहतर कर कर रहे हैं उसे हम भी करते मैं मैं इस सेशन में आपके आपके लिए कर रहा हूं? मैं आप लिए रहा हमेशा चीजों को connect करने की कोशिश करता को हाँ एयर तो है है? तो इंडिया अब ऐसे बहुत सारे अपॉइंटमेंट आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करके चलने पड़ेंगे रिवीजन करते आपको खुद सारे याद हो जाएंगे फॉर्मर चेयरपर्सन या फॉर्मर SBI चेयरमैन जो रजनीश कुमार रजनीश कुमार है इनको इंडीफी टेक्नोलॉजी का किसका इंडीफी टेक्नोलॉजी का एडवाइजर बनाया गया है एक दो बार पढ़ लो याद हो जाएगा अंशुल स्वामी को दोस एमडी एंड सीईओ बनाया गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है मेरे भाई अंशुल स्वामी बीएस राजू को वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनाया गया इंडियन आर्मी के वाइस चीफ कौन है बीएस राजू ओके विनय मोहन खुआत्रा ये इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने अभी पढ़ लिया एनडी जैसी ये के बनेंगे फॉर्मर एमेजोन म्यूजिक सीईओ सुहास सहस मल्होत्रा ये सावन के सीईओ बने कल भी पढ़ा था आज भी पढ़ा अब तो याद हो जाएगा सारे र, इसी हफ्ते की न्यूज है ये सारी की सारी आदित्य बिरला कैपिटल ने विशाखा मुल्ले को अपना सीईओ बनाया एन चंद्रशेखर टाटा डिजिटल के भी चेयरमैन बने टाटा डिजिटल के भी चेयरमैन बने एन चंद्रशेखरन TCS के कृष्णन रामानुजम इनको नेस्कॉम का चेयरपर्सन बनाया गया ने चेयरपर्सन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के मेरे भाई कृष्णन रामानुजम डन विजय सांपला की बात करते इनको बना दिया गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के जो चेयरपर्सन उनका नाम है विजय सांपला ओके ये नाम और याद रखना यहां पर फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बीडी बी ऐसे याद रख लो बीडी डी ब्रॉयज अपने वो कौन से इसके घर की खीर खानी है जिसके पूरा नाम याद रखें बी डी ब्रॉयज याद रख लो बस बात खत्म ओके बीडी ब्रॉइज ये जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस फ्यूचर जनरल इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एम डी एंड सी ओ तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह अपॉइंटमेंट अपनी रिवाइज हो गई नेक्स्ट बबिता सिंह की बात करते हैं इनको ग्लोबल पीस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है इसके अलावा ये वाली इंपॉर्टेंट है जो हज कमिटी इंडिया है हज कमिटी ऑफ इंडिया इसके चेयरपर्सन बने ए पी अब्दुल पी अब्दुल एपी अब्दुल कुट्टी इनको चेयरपर्सन बनाया गया हज कमिटी ऑफ इंडिया का इसमें दोस्त इस लाइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये ये दो, दो लाइन है पहली दफा क्या हुआ है कि दो महिलाएं हैं जो कि चुनी गई हैं वाइस चेयरपर्सन ओके फर्स्ट टाइम टू वीमेन हैज वीमन चूजन कमेटी ऑफ इंडिया की एक का नाम है मुन्ना वारी बेगम ओके okay? दूसरी है मफूजा खातून मफूजा खातून डन मेरे भाई मफूजा खातून डन ये दोनों इंपॉर्टेंट बनेंगे आई होप यार गाइस क्लियर होगा ये वाला नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला वॉट इज करंट रेपोरेट वर्तमान में रेपोरेट क्या है एग्जाम ना डायरेक्ट बैंक एस एस रेलवे किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है रेपो रेट क्या है रिवर्स रेपो रेट क्या है बैंक रेट क्या है एमएसएफ क्या है एसडीएफ एस डी एफ क्या हैल आर okay, क्या, क्या है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए करंट में जो आपका रेपो रेट है इट इज फोर पॉइंट फोर परसेंट ये रेपो रेट है ठीक है ये बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एम एस एफ ये आपका फोर पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट है ओके कैश रिजर्व रेशियो ये ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ मे से मेरे भाई फोर पॉइंट फाइव परसेंट है ओके नाउ इट थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट इसके पैरेलल याद रख लेना स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो एस एल आर ये एटीन परसेंट है कोई दिक्कत ये सारी चीजें मेरे दोस्त पता होना चाहिए आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए स्किप नहीं कर सकते हो यहाँ परिवर्सेंट आपका करंट रेट हो गया करंट रेट ओके ये सारी रेट पता होनी चाहिए अब बढ़ते हैं यहां पर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ बाकी पेड बैच में एनरोल कराना है आपको मेरे दोस्त वाई कोड लगाना है और टेस्ट सीरीज लेनी है मॉक लेने है, प्रिंटेड बुक्स या फिर बुक्स वाई वन सिक्स की पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज न्यूज आज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जरा ठीक है सब्र रखिएगा आज का सेशन हम लोग थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो आज मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ बट मैंने कोशिश की है कि एमसीयूज उस तरीके से सेट करने की आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो पाए okay? जो पहली दफा जुड़े उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि एक दिन में जज मत करिएगा क्योंकि पिछले अगर आप चार से पांच दिन के सेशन देखें तो आप समझ में आ जाएगा मैं कंटेंट किस लेवल पे एक्सपेंड कर चुका हूं आज की न्यूज देख के भी आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आने लगेंगी ओके बट फिर भी प्लीज़ कम से कम तीन दिन सेशन में जुड़ना आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि व्हाट आई एम गिविंग ओके बट आज की वे पर मत जज करिएगा क्योंकि एक दिन में शायद चीज़ें कभी समझ में आती नहीं है ओके So, यहाँ पर आते महाराष्ट्र सरकार की बात करते हैं आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था कि महाराष्ट्र वो राज्य है जिसने कि इस प्रकार की योजना निकाली है कि जो प्रिजनर्स होंगे उनको वो लोन देंगे ओके अब जरा नाम देख लेते हैं उसका महाराष्ट्र स्टेट ने अभी एक जीव हल्ला स्कीम लॉन्च करी है राज्य सरकार की योजना का नाम है जिवला योजना जिवला योजना किस चीज के लिए फॉर इनमेट जो कि सजा काट रहे हैं कैदी उनके लिए इन जेल अक्रॉस द स्टेट टू प्रोवाइड लोन तो महाराष्ट्र ने ऋण प्रदान करने के लिए राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक जीव हला योजना लॉन्च है ओके महाराष्ट्र की बात करते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम क्या है उद्धव ठाकरे गवर्नर है भगत सिंह कोशियारी भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर हो गए ओके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो गए कैपिटल यहाँ की मुंबई है काफी न्यूज में दोस्त आईओसी का जो सेशन है 2023 का इसे भी होस्ट करेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का इसके अलावा जरा समझना महाराष्ट्र के नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं कौन कौन से नेशनल पार्क्स महाराष्ट्र में प्लीज हरिया कमेंट बॉक्स में बताइए महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है मेरे भाई कौन कौन से नेशनल पार्क आपके महाराष्ट्र में है ओके okay, भाई जब तक आप लोग सेशन लाइक कर दो अगर आंसर नहीं दे रहे हो कमेंट में आंसर देंगे नहीं ठीक है लाइक करेंगे नहीं लाइक ही कर दो तब तक चौथे सौ बच्चे देख रहे हैं अभी सेशन स्टार्ट हुए मात्र बीस मिनट हुए एक बार लाइक कर दो भाई चंदौली गुगमल नवेगाओ तडोबा ओके okay? चंदौली गुगामल तड़ोबा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कोयना तंसा मलवान फंसाद गोदाजरी ओके okay? कोयना तंसा मलवान फंसाद गोदाजरी अलग से मत याद करो अलग से याद करो कि बैठ के नहीं हम नेशन पक्ष अलग से करेंगे कभी याद नहीं होगा महाराष्ट्र आ रहा है पोस्टमार्टम कर दो जितनी न्यूज आती है अभी तो मैं न्यूज कनेक्ट नहीं कर रहा जितनी न्यूज आती है वो भी करो चंदौली गुगामन नवेगा तडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोयना तनसा मलवान फंसाद गोदाजरी ओके लावनी यहाँ का फेमस डांस फॉर्म है मुंबई की बात करते हैं वो एक फेस्टिवल होस्ट हर साल करता है काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ओके काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल ये मुंबई में हर साल आयोजित किया जाता है नेक्स्ट देखेगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ठीक है अलग 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 तरीके के इनिशिएटिव ले रहा है सामान खो जाता है तो उसको ढूंढने में मदद करने के लिए अलग अलग तरीके के इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं यहां पर इनिशिएटिव जो लिया गया है जरा देखेगा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इसका नाम है सतर्क ऑपरेशन सतर्क एग्जाम के क्वेश्चन ये सारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने अभी इलिसेट लिकर, इलिसेट जो इलीगल प्रोडक्ट है अनकाउंटेड गोल्ड और कैश है अगर आइटम जो रेलवे नेटवर्क के माध्यम से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आप किसी को मेरे दोस्त अलग 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 तरीके के जो इलिसिट लिकर है ठीक है जो अलाउड ही नहीं है ठीक है इलीगल जो तंबाकू प्रोडक्ट हैं जो कि अलाउड ही नहीं है अनकाउंटेड गोल्ड कैश जो अलाउड नहीं है मेरे भाई रेलवे नेटवर्क के माध्यम से अगर इधर से उधर अगर ये ले जा रहे हैं तो दोस्त इसको रोकना यहाँ पर है और इसके लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन ने शुरू किया ऑपरेशन ने सतर्क मेरे को धुंधले धुंधले दो ऑपरेशन याद आ रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको भी अगर याद आ रहे हैं रेलवे ने ही अभी लॉन्च किए थे उन दो ऑपरेशन के नेम क्या है एक नाम वेल्डन अमानत है एक और ऑपरेशन है वन मोर दो ऑपरेशन है मेरे भाई ऑपरेशन आहट वेल्डन well चलिए और भी आपको जितने भी ऑपरेशन याद हैं जैसे हो सकता है अफगानिस्तान से इंडियंस को वापस लाने के लिए हो यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने के लिए हो ठीक है कोविड नाइनटीन के दौरान मेडिसिन सप्लाई करने के लिए हो पड़ोसी देशों को जितनी भी ऑपरेशन आपको याद है एक तरफ नोट कर लीजिए ठीक है कल मैं बता दूंगा नहीं तो नेक्स्ट आते हैं ये न्यूज इंपॉर्टेंट है इस न्यूज की ना आखिरी लाइन पढ़िए ये वाली लाइन एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे आएगा वर्ल्ड का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब ठीक है वर्ल्ड का फर्स्ट विश्व का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब ये कहां पर बनाया गया है सर ये रेल टेल कॉरपोरेशन जो कि सरकारी उपक्रम है सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये ठीक है रेल कारपोरेशन है इसने डब्लू एच ओ के साथ मिलकर इसको विशाखापट्टनम में तैयार किया है तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कहा पर मेरे भाई आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में वर्ल्ड का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब लगाया गया है ये आंध्र प्रदेश जो मेडटेक जोन है ओके वहां पर प्रेमाइसिस उसकी जो प्रेमाइसिस है आंध्र प्रदेश या एम टीजेड की आंध्र प्रदेश मेड जोन की वहां पर इस हेल्थ क्लाउड को स्टैब्लिश किया गया है एक बार पूरा पढ़ लेते हैं रेलटेल इन मेजर स्टेप टू सर्व रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री हेल्थ केयर इंडस्ट्री की जो भी रिक्वायरमेंट है उसमें बेहतर तरीके से सुविधा देने के लिए हेल्थ क्लाउड हैज बीन डिजाइंड एंड है और हेल्थ क्लाउड एक वर्ल्ड का फर्स्ट इंटीग्रेटेड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब हाँ है इसको विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन की जो प्रेमाइसिस है वहां पर सेटअप किया गया है आई होप यार गाइस क्लियर होगा अब जरा समझने की कोशिश करना ध्यान से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम क्या है रेड्डी साहब ठीक है आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है जरा प्लीज बताएगा आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन से हैं आंध्र प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है कौंदिया कोरिंगा कृष्णा कोलेहरू पट्टू, कंबल कोंडा। कौंदिया कोरिंगा कृष्णा कोलेहरू पट्टू, कंबल कोंडा। एक दो बार पढ़ लो याद हो जाएगा कौंदिया कोरिंगा कृष्णा कोलेरू नैलापट्टु कंबल ठीक है डन मेरे भाई डन कौंद कौरिंगा जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री गवर्नर का नाम क्या है गवर्नर 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 विश्वभूषण हरिचंदन वेल्डन विश्वभूषण हरिचंदन वेल्डन मेरे दोस्त नेशनल पार्क्स बताइए दो नेशनल पार्क्स हैं दो फेमस नेशनल पार्क्स हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही याद करना मत लिखो इनको अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं कौन दिया कृष्णा कॉलेज नैलापट्टू कमल कौंडा कौन कृष्णा कॉलेज नैलापट्टू कमल कौंडा अभी कोयना तनसा मलवान फंसात गोदाजरी याद था ना महाराष्ट्र का ठीक है चंदौली गुगमन लवेगा थोड़ा थोड़ा पार नेशनल पार्क से याद थे ऐसे ही मेरे भाई इसकी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौनिया कोरेगा कृष्णा कोलेरू नेलापट्टू कंबल कोंडा कौंदिया कोरेगा कृष्णा कोलेरू नेलापट्टू कंबल कोंडा ओके नेशनल पार्क दो है मेरे भाई श्री वेंकटेश्वर और और, और और मेरे भाई श्री वेंकटेश्वर और एक और है पापीकोंडा ओके पापी कोंडा एंड श्री वेंकटेश्वर ये दो फेमस नेशन पार्क से आंध्र प्रदेश के डन नेक्स्ट रेलटेल हेल्थ क्लाउड ए एम में जो इनग्रेट किया गया है ये लुइस एगर एगर स्नैप के द्वारा किया गया था और ये डब्ल्यू एच ओ इनोवेशन हब की हेड okay? है ओके जो जिनेवा स्थित है हेड ऑफ इनोवेशन हब लुइस एगर स्नैप इनके द्वारा मेरे दोस्त इसे इनौ। किया गया था ये भी याद रख लेना ठीक है का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी अंतर्राष्ट्रीय मैक्सिमम इनका हेडक्वार्टर मेरे दोस्त आपका कहां पर है जिनेवा स्विट्जरलैंड ठीक है जिनेवा स्विट्जरलैंड नेक्स्ट आगे तेलंगाना भी न्यूज में आ गया तेलंगाना स्टेट की बात करते हैं एक योजना इसका नाम है बीमा 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 मतलब बुनकर बुनकर योजना इसको एक्सटेंड कर दिया है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना राज्य सरकार ने अभी अनाउंस किया है एक्सटेंशन ऑफ इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड लूम वेवर्स अंडर दी नेतना बीमा या तेलंगाना राज्य सरकार ने बीमा योजना के तहत हत करदा और बिजली करदा बुनकरों के लिए बीमा योजना के विस्तार की घोषणा की आपको एक बात बताऊं अगर केंद्र सरकार की योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की मेरे दोस्त इसको डिटेल में पढ़ना हम लोगों को अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम है इसको रीड करिए उसका नेम ज्यादा हो पर्प पढ़ लीजिए इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको अगर स्टेट के के एग्जाम लिए जा रहे तब एक बात अलग है नहीं तो मेरे दोस्त इससे ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना अब समझो तेलंगाना स्टेट की ये योजना बीमा डन इससे आगे तो नहीं पढ़ना क्लियर अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव जो गवर्नर है यहाँ की वो तमिल से ही सौंदराजन तमिल से सौंदराजन जो की लेफ्टिनेंट गवर्नर है पुडुचेरी की भी ठीक है अभी तेलंगाना में एक फेस्टिवल राइज करना है मेदाराम जत्रा मेदाराम जत्रा ये फेस्टिवल हो गया इसके अलावा बोनालू फेस्टिवल भी याद रखना मेदाराम जत्रा बोनालू मेदाराम जत्रा इंपॉर्टेंट है तेलंगाना की जो दोस्त नेशनल पार्क है इसका नाम है

एक लिस्ट तो यहां पर रही थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की इसमें इंडिया के टोटल चालीस साइट हो चुकी है और एक अभी दोस्त एक यूनेस्को की इंटेलिबल साइट की लिस्ट आई थी जिसमें 14 हो चुकी इंडिया इंडिया की मिलाके। मतलब इंडिया के टोटल मतलब यूनेस्को की दो लिस्ट हो गई एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक इंटेंजिबल साइट की तो इंटेंजिबल साइट में जो फोर्टीन तो चुना गया वो दुर्गा पूजा सुना गया दुर्गा पूजा ठीक है ये वेस्ट बंगाल का और जो फोर्टी है फोर्टी से पहले आता है बेटा थर्टी नाइन थर्टी नाइन तेलंगाना से है और 40 गुजरात से है अब ये 39 तेलंगाना से कौन सा सुनिएगा रुद्रेश्वर यूनेस्को की थर्टी यूनेस्को की टर्टी नाइन वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है और फोर्टी जो है जो गुजरात से बेटा ये धौला वीरा है ओके धौला वीरा है इसको जरूर याद रखना ठीक है डन अमनगढ़ रिजर्व यहीं पर अमनगढ़ अमनगढ़ जो टाइगर रिजर्व है फेमस टाइगर रिजर्व है

अगर बैंक ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है जैसा कि बैंक में हम लोग नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक कर रहा है तो ये कोई प्रोडक्ट नहीं करेगा ये कोई टाइप करेगा या कोई अपना सेविंग प्रोडक्ट करंट अकाउंट इवन इस तरीके के लॉन्च करेगा लेकिन अगर आर लॉन्च कर रहा है कुछ भी तो उस उसका पोस्टमार्टम कर लेना उसको सिर्फ रीड करके काम नहीं चलेगा यहाँ रट्टा मारो बात करता हूँ अगर आर कुछ लेकर आ रहा है ना जैसे मॉनेटरी पॉलिसी आई आर कुछ नई चीजें और लेकर आ रहा है नए नॉर्म्स लेकर आ रहा है हर दिन नए सर्कुलर आ रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा ओके

आईबीएम के चेयरमैन और चीफ सीईओ इनका नाम है अरविंद कृष्णा आईबीएम के चेयरमैन एंड सीईओ अरविंद कृष्णा इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया फेडरल रिजर्व बैंक यूनाइटेड स्टेट न्यूयॉर्क स्थित जो फेडरल रिजर्व बैंक है फेडरल रिजर्व बैंक के बोर्ड में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है अरविंद कृष्णा को अपॉइंट किया अरविंद कृष्णा है क्या आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ है फाउंड हुआ था 1913 में ये फेडरल रिजर्व बैंक और प्रेजेंट का नाम है जॉन सी विलियम्स एंड का यूएसए यूएसए न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क डन मेरे भाई क्लियर ओके चलिए चार यार बच्चे मेरे दोस्त आज भी हैं सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आ रहा कंटेंट पसंद आ रहा है ओके okay. नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट न्यूज है दोनों ही न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है समझना एक गोल्ड मेडलिस्ट है और दूसरे भी मेडलिस्ट है एक का ना नाम है धनुष श्रीकांत ओके okay? गोल्ड मेडल इन मैं टेन मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन एट दी ट्वेंटी फोर्थ डीफ ओलंपिक क्या क्वेश्चन बनेगा जरा देखते हैं डीफ ओलंपिक हम लोगों ने अलग अलग ओलंपिक पढ़े होंगे हम लोगों ने नॉर्मल ओलंपिक पढ़ा है यूथ ओलंपिक पढ़ा है पैरोल्पिक पढ़ा है इट इज ए डीप ओलंपिक डीफ डी ओलंपिक डीप ओलंपिक इसे होस्ट कौन कर रहा है ब्राजील और ब्राजील में भी कहां पर हो रहा है एडिशन कौन सा इतना अपने लिए सिंप्लीफाई हो गया डीप ओलंपिक ब्राजील होस्ट कर रहा है ब्राजील में भी कहां पर हो रहा है कैक्सिया में हो रहा है और ये ट्वेंटी फोर्थ एडिशन है अब बात करते इंडिया की इंडिया के साहब है इन्होंने टेन मीटर Air rifle competition में अब देखो भाई साहब किससे संबंधित होगा ये शूटिंग से ऐसे ही ढूंढेगा ढूंढेगा और और ऐसी मतलब पूछेगा आपसे कि धनुष श्रीकांत टेन मीटर एयर राइफल कॉम्पिटिशन में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है क्लियर भाई डन इसी के साथ एक सिल्वर मेडल भी भारत को मिला है और इट इज won बाई सौर्य सैनी सौरे सैनी है मीटर इवेंट। मीटर और हमारे लिए सिल्वर मेडलिस्ट कौन है इवेंट कहां पर हो रहा है इवेंट कौन होस्ट कर रहा है इवेंट का वेन्यू क्या है अंदर भी घुस के वेन्यू क्या ब्राजील के भी अंदर चले गए एडिशन कौन से सारी चीजें ओलंपिक की बात करते हैं ओलंपिक दो प्रकार के समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक ओके समर ओलंपिक विंटर समर ओलंपिक में चलते हैं यहाँ पर तो 2020 वाला समर ओलंपिक 21 में रहा था इसे दोस्त जापान ने होस्ट किया था जापान के टोक्यो में रहा था ये फाइन 2024 समर ओलंपिक ये फ्रांस के पेरिस में रहेगा फ्रांस के पेरिस में 2028 वाला जो है ये यूएसए के कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में रहेगा बत्तीस का ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में क्वींसलैंड ओके ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन क्वींसलैंड तो ऑस्ट्रेलिया बत्तीस का होस्ट करेगा समर ओलंपिक का यूएसए चौबीस का फ्रांस और बीस वाला इक्कीस में जापान टोक्यो रहा था विंटर ओलंपिक विंटर ओलंपिक ये दो हजार बाईस वाला ये चाइना के बीजिंग में रहा था चाइना के बीजिंग में और दो हजार छब्बीस वाला रहेगा इटली के मिलन कॉटीना दे एम्पेजो में एम्पेसो इटली के मिलन कॉटी एम्पेसो में से आयोजित तो किया गया था डन क्लियर नेक्स्ट आगे बढ़ते अगला देखते हैं ये नाम आप लोगों ने ओलंपिक के दौरान सुना था हमें लगा था भाई ये गोल्ड मेडल जीत जाएंगे बट ये गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई थी ओलंपिक में लेकिन अब हुआ क्या है कि देखो दोस्त हुआ या कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको कि मना किया जाता है कि भाई एथलीट वगैरह को कि मत लो यार दोस्त सही नहीं है चीजें इन लोगों को लेना किसी भी एथलीट को इस तरीके के सब्सटेंस नहीं लेने चाहिए नहीं इनटेक करने चाहिए अब नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और ये प्रतिबंध अब ये वाडा नाडा ने नहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स ने लगाया जरा देखना क्या है इंडियन डिस्कस थ्रोअर कमलप्रीत कौर अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है ये चक्का फैक से संबंधित है क्या डिस्कस थ्रोअर है एथलीट है

उसका रीजन है यहाँ पर पहला शब्द लग गया फर्स्ट देखेगा क्या ये हर्षद सरद गरुड़ हर्षद सरद गरुड़ मेड हिस्ट्री बाय बीइंग फर्स्ट इंडियन वीमेन ये लाइन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फर्स्ट इंडियन वीमेन हर्षद गरुड़ हया हर्षद सरद गरुड़ मेड हिस्ट्री बाय बीइंग फर्स्ट इंडियन वीमेन टू विन गोल्ड मेडल एट आईबीएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन इनको ग्रीस तो ग्रीस का एक शहर जिसका नाम है हेरा आई डब्ल्यू एफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया क्या इनसे पहले किसने पदक नहीं जीता ऐसा नहीं है पदक तो जीता है बट इट वॉज नॉट गोल्ड मेडल ये गोल्ड मेडल नहीं रहा था बट ये मेडल जरूर रहा था जरा समझना इन्होंने 45 किलोग्राम वेट कैटेगरी में टोटल 153 किलोग्राम लिफ्ट के साथ ये मेडल जीता है ओके? ओनली टू इंडियंस हैव मेडल इन इससे पहले दो भारतीयों ने भी मेडल जीता है आईडब्ल्यूएफ एफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था दो हजार तेरह में और ये अचिंता इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था पिछले साल तो अचिंता सुली ये ये भी किस चिंता इन्होंने सिल्वर मेडल जीता मीराबाई मेडल जीता था अब इन दोनों के बाद यहां पर तीसरी व्यक्ति इसने मेडल जीता है वो पहली महिला है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है बात समझ में आ रही ग्रीस की कैपिटल बेटा एथेंस है यहां पर यूरो चलती है ग्रीस कैपिटल एथेंस करेंसी डन मीराबाई चानू क्लियर है अचिंता सुली क्लियर है, डन

टिव लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन तो मेरे भाइयों ये एग्जाम का क्वेश्चन बनने जा रहा है कि कौन सा स्टेट पहला स्टेट है जो कि 10 गीगावाट के लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन में पहुंच गया है आंसर क्या बनता है यहां पर मेरे दोस्त राजस्थान ओके क्लियर है अब जरा आगे बढ़ते हैं

राजस्थान की बात करें तो वो दोस्त मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत है गवर्नर की बात कर लेते हैं यहाँ पर कलराज मिश्र है ठीक है कैपिटल यहाँ की जयपुर है राजधानी ठीक है यहाँ पर कौन कौन से सा निष्पा केवलादेव रंथमबौर सरिस्का डिजर्ट दर्रा ओके केवलादेव सरिस्का बर और दर्रा अभी इसमें फोर्थ टाइगर रिजर्व बनाया गया है ठीक है विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको दोस्त अभी फोर्थ टाइगर रिजर्व बना दिया गया है डन ये एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा एग्जैक्ट नाम है इसका रामगढ़ विषधारी मेरे को विषधारी याद है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है आप लोग बता सकते हैं बाकी के तीन टाइगर रिजर्व कौन से हैं ये आपके लिए होमवर्क रहेगा बाकी के तीन टाइगर रिजर्व कौन से हैं ठीक है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज अ फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान नेक्स्ट आते हैं दो का जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप है किसने जीती है रॉनी ओ सुलवन ये इंग्लैंड के हैं वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले रोनी ओ सुलवन इन्होंने इंग्लैंड के शेफील्ड में जुड ट्रंप इंग्लैंड के वाह भाई इंग्लैंड इंग्लैंड और इंग्लैंड हुआ कहा इंग्लैंड हारा कौन इंग्लैंड का ही जीता कौन इंग्लैंड का ही तो इंग्लैंड के रॉनी सुलेवान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती बाय डिफीटिंग ऑफ इंग्लैंड कहां पर दोस्त तो इंग्लैंड के ही शेफील्ड में ओके बस इतना याद रख लेना अपना काम बन जाएगा ठीक है ये क्रूसिबल थिएटर है वहां पर बट अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना बस वन लाइनर याद करना ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं आई बॉम्बे ने पार्टनरशिप करी इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ओके, जो भारत मौसम विज्ञान विभाग है, उसके साथ भागीदारी करी है ठीक है वेदर एप्लीकेशन बनाने के लिए या यू कहें कि जो विलेज सिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए क्लाइमेट सॉल्यूशन को डेवलप करने के लिए एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि किस आई के साथ टाइप हुआ तो आई बॉम्बे ने इंडिया मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ एक समझौता किया है ठीक है विलेज लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टेट लेवल पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के लिए एक क्लाइमेट सोल्यूशन बनाने के लिए वेदर एप्लीकेशन बनाने के वेदर एप्लीकेशन बनाने के इस तरीके के लिए ठीक है याद रखना कौन सा आई आई यहां पर आई बॉम्बे आई बॉम्बे ओके नेक्स्ट वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इज ऑब्जर्ड ऑन फिफ्थ ऑफ मे विश्व हाथ स्वच्छता दिवस आपका पांच मई को मनाया जाता है यानी कि कल मनाया गया इसमें दो चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ओके एक स्लोगन और एक थीम थीम है हेल्थ केयर क्वालिटी सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर कुछ जगह आपको यहां पर यह लिखा मिलेगा यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड ये थीम है ये नहीं है इट इज स्लोगन इस बात पर ध्यान देना यह स्लोगन है यूनाइट फॉर सेफ्टी क्लीन योर हैंड ये स्लोगन हो गया इसकी दोस्त जो थीम बनती है वो ये है हेल्थ केयर क्वालिटी एंड सेफ्टी क्लाइमेट और कल्चर ओके एज पर डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर नेक्स्ट क्रिप्टो एनालिस्ट फार्मिस इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है उस रिपोर्ट को हम लोग यहां स्टडी करने जा रहे हैं रिपोर्ट क्या जरा समझिएगा ठीक है अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो एनालिस्ट फर्म चेनालिसिस इन्वेस्टर अराउंड द वर्ल्ड रियलाइज टोटल क्रिप्टो गेन 162.7 बिलियन 2021 कंपेयर टू 32.5 बिलियन इन 2020 मतलब कहने का क्या है कि 2020 में जो क्रिप्टो गेन था इट वाज 32.5 बिलियन यूएस डॉलर जो भी इन्वेस्टर ने किया था उनको फायदा हुआ अब 2021 में जो गेन रहा है ये 162.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा है बिलियन यूएस डॉलर क्रिप्टो गेन रहा था इस क्रिप्टो गेन में हम लोग इंडिया की बात करते हैं पहले तो इंडिया की जो रैंकिंग है दोस्त वो ट्वेंटी फर्स्ट रही है जो रियलाइज गेन था इट वाज 1.85 बिलियन यूएस डॉलर एक दशमलव आठ पांच बिलियन यूएस डॉलर का गेन रहा था जबकि यूएस ने यहां पर जो गेन किया है वो 49.95 बिलियन के के साथ यूएसए टॉप पर है ओके यूएस बाद यूनाइटेड किंगडम दूसरे नंबर पर रहा था एस्टिमेटेड जो इसका क्रिप्टो गेन रहा था यह आठ बिलियन रहा था एट बिलियन जर्मनी फाइव बिलियन जापान इस तरीके से मतलब पहले पे यूएस हो गया दूसरे पे यूके देन फिर यहां पर जर्मनी जापान और चाइना टॉप फाइव क्लियर हो गए इंडिया की रैंकिंग

फिर एक बात मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा ऐसे एस्पायरेंट जो मेरे साथ पहली दफा जुड़े हैं दे मस्ट है बैंक महापैक ओके दे मस्ट है अब जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैंक महापैक जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी एससी महापैक जो दोनों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अड्डा का महापैक ओके okay, बैंक महापैक एसएससी महापैक अगर जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैंक महापैक इंश्योरेंस एग्जाम की एसएससी वाले एसएससी एस सी महापैक रेलवे वगैरह इन दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो अड्डा का महापैक ये मेंबरशिप है इस मेंबरशिप में आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस के लाइव क्लासेस मिलेंगे ऑल बैचेस वीडियो कोर्सेस मिलेंगे टेस्ट सीरीज मिलेगी ई बुक्स मिलेगी हर एक लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी जो वैलिडिटी होती है वो सिक्स मंथ या फिर बारह महीने रहती है ऐसा रहती है वैलिडिटी छः महीने के लिए है या फिर बारह महीने के लिए अभी मैं आपको ऑनलाइन दिखा दूंगा ठीक है एक प्रोडक्ट आपको एडिशनल दिख रहा है बैंक वहां पर प्लस क्या है इन और इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं सिर्फ इतना अंतर है यहाँ पर आपके पाँच एग्जाम और कवर होंगे एसओ एग्जाम आर ग्रेड बी बार्ड नाबार्ड से और सिबी अगर आप इन सभी एग्जाम की तैयारी और कर रहे हैं तब जाकर आप बैंक महापैक प्लस के साथ जाइएगा क्लियर है अदरवाइज जितने भी एग्जाम है बैंक के वो सारे यहां पर कवर हो ही रहे इंश्योरेंस एग्जाम सारे कवर यहां पर हो ही रहे वन ऑफ माई ड्रीम बैच जिसके लिए मैं हमेशा से कहता हूं आपको आने वाले पंद्रह दिन के भीतर बहुत बड़ा अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करूंगा इस बैच को लेकर आपके लिए बहुत कुछ रहने वाला है अभी जितने बच्चे अभी फायदा उठाएंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा इस बैच की टाइमिंग सुनिएगा पहले तो ये एक इकलौता ऐसा बैच है जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके भी आपका रहेगा एवरीथिंग ओके ये जो बैच है दोस्तों इसका नाम है वॉरियर प्रो बैच वॉरियर प्रो बैच इज अ काइंड ऑफ लाइक बैंक महापैक बैच ओके इस बैंक महापैक में सारे आपका एग्जाम कवर होते हैं वॉरियर प्रो में सारे एग्जाम कवर होंगे करंट इसका सभी एग्जाम का मिलेगा अवेयरनेस मिलेगा स्टैटिक मिलेगा करंट अफेयर्स में इसमें आपको हर एक चीज करा रहा हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी इसकी टाइमिंग जो मैंने रखी है वो एट थर्टी टू नाइन थर्टी रखी है साढ़े आठ बजे से साढ़े नौ बजे सुबह अभी हम लोग बस अभी थोड़ी देर में पंद्रह मिनट बाद मेरे भाई इस सेशन में जुड़ने जा रहे हैं वॉरियर टू पॉइंट जीरो ठीक है इसमें भी हाँ, इसकी क्लासेस का टाइम है दस बजे से सुबह ही साढ़े ग्यारह बजे तक आज हम लोग यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं ठीक है स्टैटिक जीके का बैच बैच आपको इसमें दिख जाएगा अगर आपके पास ये बैच है और इस बैच की खासियत यह है ये छह महीने नहीं बारह महीने वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है कोई बैच आपको इंडिविजुअल बारह महीने के साथ नहीं मिलता एक कलौता बैच है जो आपको बारह महीने वैलिडिटी के साथ मिल रहा है इसके लिए करना क्या है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन वेबसाइट एप्लीकेशन पे जाएंगे ऐप या वेब पे जाएंगे वाई वन सिक्स एट कोड लगाएंगे सेवेंटी एट परसेंट डिस्काउंट आपको मिलेगा लेकिन डिस्काउंट के लिए आपको एप्लीकेशन पे जाना है इतने डिस्काउंट के लिए दोनों में डिस्काउंट सेवेंटी सेवन सेवेंटी सेवन है बट आप अगर एप्लीकेशन से लेते हैं वाई वन सिक्स एट लगाकर तो आपको एडिशनल वन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा कॉइन और ऑप्शन आएगा वहाँ कॉइन और सेलेक्ट कर लीजिएगा ये बैच अगर आपके पास बैंक महापैक या महापैक प्लस है उसका पार्ट है ये वॉरियर प्रो बैच ओके ये बैंक महापैक में भी है और बैंक महापैक प्लस में भी है करना है क्या इसके लिए आपको वेबसाइट पर जाना है चलते हैं जरा 1247 हमारी वेबसाइट है इस पे चले जाइएगा ऐसा नहीं कि मेरे बैचेस आपको बैंक महापैक में मिलेंगे आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस यहां पर मिलेंगे ठीक है कैसा आज का सेशन लगा इसके व्यूज भी अपने व्यूज भी जरूर शेयर करिएगा ठीक है आपके व्यूज बहुत जरूरी रहते हैं मेरे भाई 1 सेकंड 1247.com ठीक है आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन हमारी वेबसाइट पर जाएंगे ठीक है जैसे आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन देखे मिल जाएंगे बैंक महापैक बैंक महापैक प्लस लाइव क्लासेस में आप चले जाएगा जो बैंक की तैयारी करें उनके लिए बैंक महापैक जो एस एस सी की तैयारी करें उनके लिए एस एस जो दोनों की तैयारी करें उनके लिए बैंक महापैक प्लस ओके okay? अब इंपॉर्टेंट उनके लिए दोनों के लिए अड्डा का महापैक और जो सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी और इसके लिए भी जा रहे हैं उनको फिर बैंक महापैक प्लस लेना है अब जैसे मेरा वॉरियर प्रो है ये न्यू बैंक फाउंडेशन एस बी आई क्लर्क है ओके ये एस आई सी बैच है ठीक है मंथली करंट अफेयर्स बैचेस हैं जितने भी बैचेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे बैचेस दोस्त बैंक महापे के महापे के प्लस का पार्ट है ओके जितने भी बैचेस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर इसी जैसे पी आर बी अस्टेंट आर बी आई ग्रेड भी दिख रहा है ठीक है ये जितने भी ये सब बैंक महापे बैंक महापे के प्लस का पार्ट है आप लोग इनरोल करा सकते हैं ठीक है बट आई विल सजेस्ट कि आपके पास अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टैटिक जीके पढ़ना है बारह महीने तक क्योंकि ये बच कभी पुराना नहीं होने वाला इस बैच में हमेशा आपको हर महीने नई 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 चीजें मिलती रहेंगी मिलती रहेंगी मिलती रहेंगी लाइक बैंक महापैक ओके और आप मंथली करंट अफेयर्स आप अलग से अनरोल कराएंगे मत कराइए अलग से एनरोल आप जाइए वॉरियर प्रो बैच लीजिए वॉरियर प्रो में आपको मंथली करंट अफेयर भी मिलेगा आपको वॉरियर प्रो में फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए वॉरियर 2.0 भी मिलेगा स्ट्रेटेजी के तीन बैचेस का कॉम्बो कॉम्बाइ आपका वॉरियर प्रो बैच और इसमें मंथली करंट अफेयर्स आपके अपडेट हमेशा होते रहेंगे जैसे आज आप मे में, में खड़े मे से आपके बारह महीने काउंट होंगे लेकिन इससे पहले महीने आपको नहीं मिलेगा इससे पहले महीने भी मिलेगा इस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये महीने भी आपको इसमें मिलेंगे जैसे आज मैं फरवरी पढ़ाऊंगा इसमें फरवरी करंट अफेयर्स मिलेगा जनवरी पढ़ा चुका हूँ वो आपकी उसकी आर्ट क्लासेस आपको इसमें रिकॉर्डेड मिल जाएंगी ठीक है लाइव तो रही थी वो जाकर देख लीजिए इस तरीके से आप समझिए कि अगर आप आज मेरे साथ मे में भी जुड़े हैं तो आपको प्रीवियस करंट अफेयर कवर करना है जाइए मेरे भाई वॉरियर प्रो के साथ जुड़ जाइए ठीक है वाई वन सिक्स एट कोड लगाना है और दिमाग आपको कुछ नहीं लगाना है इसमें आपको सभी फैकल्टी के सभी बैचेस मिल जाते हैं बैंक महापैक में अगर सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स पढ़ना है तो फिर मेरे दोस्त वॉरियर बैच ओके डन क्लियर आज 12 बजे एक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एसबीआई क्लर्क को लेकर प्लीज उस सेशन में जरूर जुड़िएगा 12 पीएम आज 12 बजे बाय टेक केयर राधे राधे दोस्तों